हेलो नमस्ते, मेरा नाम रागिनी चौरसिया है। हेलो नमस्ते, मैं पार्थ मिश्रा। हेलो नमस्ते, मेरा नाम सिंगर भी नागेंद्रा। लंका में सीता, किस तरह कैरेक्टर है आपका? सबसे पहले आप बताइए आपका इसमें किस तरह कैरेक्टर है और क्या है फिल्म? फिल्म तो काफ़ी अच्छी है और पूरा साउथ का मतलब फ्लेवर है फिल्म में। म्यूज़िक, एक्शन, सॉन्ग्स, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी, एकदम साउथ का फ्लेवर है। और मेरा जो इसमें कैरेक्टर है वो एकदम चुलबुली टाइप है और सिस्टर का कैरेक्टर है। हीरो जो हैं वो मेरे भैया हैं और जो हीरोइन है रितु जी वो मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड हैं फिल्म के अंदर। आपके जरिए हीरो ने हीरोइन को अपने कब्ज़े में कर लिया है? एज इट इज, जैसा कि आप लोग नाम सुन ही रहे हैं लंका में सीता, तो आपको भी मालूम है सीता गई थी लंका में तो क्या हुआ था, फ्रेंड लोग क्या किए थे, तो वैसा ही कुछ हम लोगों ने भी किया। हम भी थे फ्रेंड, ये भी थे फ्रेंड, तो रामायण सीता से मिलता जुलता है बट ऐसा कुछ नहीं है, उसको मॉडर्नाइज करके और बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। जिसको आप लोग मूवी में देखेंगे तो काफी इंटरटेन होंगे, कॉमेडी से लेके एक्शन एक्शन भी सब है, भरपूर है, सॉन्ग भी बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत एंटरटेन करेंगे। हम भी हीरो फ्रेंड में ही हैं, तो ये मूवी जो है बहुत अच्छी मूवी है और हमारा जो मतलब करेक्टर है कि मतलब लंका में सीता हैं, अब उनको बचाने के लिए तो हम बानर को तो जाना ही पड़ेगा ना, तो हम भी जाते हैं, करते हैं जो भी है,
पूरा तो नहीं बोल सकते हैं, फिर भी आप देखेंगे तो जरूर मालूम पड़ेगा मतलब मूवी किस तरीके की है। आप भी हीरो के फ्रेंड हैं? जी, हीरो के फ्रेंड से। फाइट तो नहीं हो जाएगी? नहीं नहीं, हम दोनों फाइट नहीं होते, हम लोगों को खाली बस मार ही पड़ती है, बस हैं ना बहाने रहे हम लोग। नहीं, खाली फ्री फंड में मजा मारे कोई फाइट कोई। हाँ, वही वाली स्टोरी। और ये आर्ट में करने में हम लोगों को तो रियल भी लग गई है बहुत बार। अच्छा, मतलब एक्शन जो वहाँ के डायरेक्शन में कुछ अलग है वो जो रियल, उसके बारे में कुछ बताइए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करिए कि भोजपुरी जो है बेसिकली सर आप डायरेक्शन में और उनके डायरेक्शन। आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये जो हमारे सुब्बा राव सर जो भी मूवी बनाते हैं, हर एक मूवी में इनका टैलेंट अलग होता है, पूरा साउथ लेवल जाता है। भोजपुरी वाले हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री क्या है मालूम है, अगर एक मूवी कोई बना दिए वो अच्छा चले गया तो उसी के लेवल पे फिर दूसरा जना मूवी बना देते हैं दूसरे लोग, तो वो चीज नहीं चलेगा। अगर अपना पहचान अलग बनाना हो, करना हो काम कुछ भी, तो अच्छी कला अच्छी चीज अलग से लेके आना पड़ता है। और जो हमारे सुब्बा राव सर में है, उन्होंने अपनी पहचान इसलिए अलग बनाई है क्योंकि उन्होंने काम ही अलग करते हैं। पहचान ऐसा होना चाहिए सर, अपना काम बोलना चाहिए, पब्लिक नहीं, इंसान नहीं। अच्छा, तीनों लोग इंटरव्यू तो एक साथ दे रहे हैं, सेट पे भी तीनों का कोई ऐसा एक सीन है, कुछ ऐसा है केमिस्ट्री ठीक है? हाँ, है हम लोग का हाँ, साथ सीन है, हमारा बहुत सारा सीन। हमारे दोस्त की बहन रहेंगी तो घर तो जाएंगे ही हम लोग। गड़बड़ है? नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है हमारा, ऐसा कोई गड़बड़ नहीं। किसका फायदा हुआ किसका नुकसान हुआ? नहीं, एक्चुअली देखिए, किसी का फायदा नहीं हुआ, नुकसान भी नहीं हुआ, लेकिन हाँ, सब एक यूनिट बन के एज अ फ्रेंड्स हमने बहुत सपोर्ट किया सीन करने में, है ना, सारी चीजें अच्छे से मैनेज करके मिला जुला के काम करना। टेक्निकली बहुत साउंड है, आप जान ही रहे, टेक्निकली बहुत साउंड है, तो टेक्निकली बहुत अच्छी फिल्म बना रही है। ये आए, आपने तो अपनी फ्रेंड से अपने भाई का मामला करवा दिया है, अब ये इनका कुछ ऐसा लग रहा था कि ये आ रहे हैं तो देख रहे हैं मेरे को, कुछ ऐसा कुछ था सीन? नहीं, ऐसा कुछ सीन नहीं था बिल्कुल भी, फ्लर्ट तो था ही नहीं फिल्म में, मतलब मेरा इनके साथ, मैं भी भाई ही मानती थी इनको फिल्म में। है क्या भाई? नहीं नहीं, और कोई भाई बहन हम लोग नहीं थे। अरे अरे, क्या बात कर रहे हैं, मतलब भाई ही मानती थी मैं फिल्म में, फिल्म में कोई भाई बहन नहीं थे, मतलब कुछ नहीं, बस फ्रेंड थे और हम लोग घर पे आते जाते रहते थे, मतलब कोशिश करते थे कि कुछ मतलब दाल बन जाए। नहीं नहीं, हम लोग का जो भी दाल था, जो अपनी फिल्म साइना जी है, साइना जी है, उनके पीछे हम लोग रहे हैं, थोड़े मतलब थे गाने के लिए आई थी उनके साथ, साइना जी के पीछे ही पड़े हुए थे, उनके साथ दाल गलाना चाहते थे सब लोग। लेकिन आपको टहलाया या आप लोगों ने उनको? नहीं, उन्होंने बहुत टहलाया, कुछ पैसे लिए लेकिन टहला के पूरे यानम और आंध्रा का वाटर पिला दिया उन्होंने। बेसिकली केमिस्ट्री जो थी पूरे सेट पे अलग थी, मतलब यहाँ से हटके थी, सब न्यू एक्सपीरियंस था, पूरा हाँ, बहुत अच्छा था, बहुत कुछ काफी अच्छे फिल्म के अंदर काफी अच्छे लोकेशंस भी हैं, गोदावरी नदी और ये सब है, यानम के बहुत प्यारे प्यारे लोकेशंस है, जो आप लोग मूवी में जाएंगे तो देखने को मिलेगा, काफी अच्छा है, आप लोग हर सिनेमैटिक बहुत अच्छा लगेगा आप सबको। हीरो हीरोइन का कैसा सपोर्ट था आप लोगों को? जो सुपर बहुत अच्छा सपोर्ट था एक्चुअली, हीरो हीरोइन तो मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब इतना मैंने जो भी काम किया है तो मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस इसमें रहा, क्योंकि जो हीरो थे वो भी एकदम सच में भाई जैसा बिहेव कर रहे थे, पूरा फुल सपोर्ट कर रहे थे, हर एक सीन में छोटी छोटी चीज़ें बताना करके बताना, कि मतलब उतना तो मुझे नहीं आ पा रहा था सीन करने में जितना वो मुझे समझा रहे थे। सपोर्टिंग है, बहुत जॉली नेचर के, बहुत अच्छे, कभी भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि वो हीरो है, वो हीरो बहुत बड़े स्टार सब मिल के लेवल पे बहुत शूट हो रहा था, ऐसा लगा आपको कि हमें भोजपुरी छोड़ देनी चाहिए, हमें साउथ में ही मेहनत करनी? हां, ऐसा लगा साउथ मूवी सुपर मूवी समझ के बोलिए, क्योंकि अगर वहां नहीं मिला तो लास्ट में भोजपुरी। हम ये नहीं कह रहे भोजपुरी अच्छी नहीं है, हां भोजपुरी बहुत अच्छी है, भोजपुरी अच्छी है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज जो है ना, साउथ का जो एक्शन है, जो हाँ, जो सीन्स, जो ट्रीटमेंट है वो ज्यादा अच्छा है साउथ का, बहुत सुपर है। तो साउथ के लिए आप लोग ट्राई करें, 99% साउथ के लिए ट्राई तो देखिए, मैं तो हर चीज में ट्राई कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं स्पेशल एक पे फोकस कर रही हूँ, मुझे हिंदी भी करना है, भोजपुरी भी करना है और साउथ भी करना है। हमारी फिल्म भोजपुरी और भोजपुरी मेरी मातृभाषा है, मैं गोरखपुर से हूँ तो भोजपुरी को, गोरखपुर से आपकी मेन लीड भी गोरखपुर से, सब यूपी का हूँ, पर मैं हैदराबाद में 22 ईयर से हूँ, आंध्रा में।
तो वहां पे आपकी दोस्ती हो गई होगी गोरखपुर की पूरी टीम उठा के? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्टर सर क्या कर चुन के लिया उन्होंने? डायरेक्टर सर सबको, हाँ जैसा टैलेंट है। तीन लोग गोरखपुर से थे, ये थी, मैं था और ऋतु जी थी, इसलिए इनका ज्यादा चढ़ा है ना। नहीं एक्चुअली हुआ क्या ना कि जो भोजपुरी है, जो इंडस्ट्री है, मोस्टली लोग गोरखपुर से ही आते हैं, चाहे वो एक्ट्रेस हो या एक्टर भी कितने सारे हैं ना, अंचल है उधर, तो सब वाराणसी, गोरखपुर, बिहार, सब कनेक्ट है ना, तो इसलिए भोजपुरी एक्टर ज्यादा है उधर, तो ये रीजन हो सकता है। अच्छा, इससे पहले आपने क्या किया था, कुछ अपना बताएंगे? थोड़ा थोड़ा सा वर्क की इंडस्ट्री इंडस्ट्री में आने के पहले पढ़ाई कर दी थी, फिर पढ़ाई करने के बाद एक्टिंग में इंटरेस्ट मेरा बचपन से ही था, सो मैंने सोचा कि मुंबई जाके ट्राई करना चाहिए। उसके पहले मैंने गोरखपुर में थिएटर वगैरह ज्वाइन किया, डांस क्लास किया, फिर मुंबई आ गई, और यहाँ आने के बाद सीरियल्स में ट्राई किया, भोजपुरी फिल्म में जितना बन सका ट्राई किया, और फिलहाल काम मिल रहा है। अगर भोजपुरी से भी हटके आपको कुछ मिलेगा तो आप उसमें कि पर्टिकुलर माइंड अपना प्रिपेयर करें? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बताया कि मुझे हिंदी भी करनी है, भोजपुरी भी करनी है, साउथ में प्रोजेक्ट मिले तो वो भी करना है, उसके लिए भी मेहनत करूँगी। आप बताइए, सेम क्वेश्चन है। तो फिलहाल मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने इंजीनियरिंग किया है सॉफ्टवेयर से, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? एक्टिंग में इसलिए कर रहा हूँ। अगर आप इंजीनियरिंग में लगाते तो शायद इंजीनियरिंग कौन से वाले, क्योंकि इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर तो एक करेक्ट, सॉफ्टवेयर आप रेडी कर दे चुके होते। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सॉफ्टवेयर रेडी कर चुके होते, और इंजीनियरिंग करना वो मेरे को बहुत हेल्प करता है, ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर तो कहीं नहीं बनाया? बनाया बनाया, मैंने एक दो सॉफ्टवेयर छोटे एंड्रॉयड के लिए भी बनाया है, ऐसा नहीं है, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर बनाया था मैंने। और इंजीनियरिंग के बाद फिर मैंने मास कम्युनिकेशन भी किया जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली से। और एक्चुअली बेसिकली मैं आया था, ऑडिशंस दिए, कुछ रिस्पॉन्स खास नहीं मिले, एक दो ऐड मिले थे स्टार्टिंग में, देन मैंने फोकस किया फिर डायरेक्शन में, तो मैंने बहुत सारा डायरेक्शन में काम किया है, और डायरेक्शन में इस फिल्म में भी मैं एसोसिएट डायरेक्टर भी हूँ। हाँ, एसोसिएट डायरेक्टर था इस मूवी का। वो पढ़ाई एजुकेशन जो है आपकी, वो टेक्निकल, टेक्निकली साउंड हूँ मैं उसकी वजह से। हाँ यस यस यस, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँ, पढ़ लिख के इस फिल्म में भी, इस फील्ड में भी आओगे तो आप अच्छा करोगे, काफ़ी अच्छा उससे मेरे को रिस्पॉन्स मिलता है। पढ़े लिखे होने की वजह से बहुत चीज़ें मुझे मिल जाती हैं, बहुत चीज़ें ईजिली कैच कर लेता हूँ मैं। सेम सेम आपसे। हमारा सर तो मैन तो मेरा प्रोफेशनल बिजनेस है, मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ हैदराबाद में, मतलब होम डिजाइनर, शोरूम, ये सब इंटीरियर डिजाइनर। तो मूवी नहीं, ये तो यहाँ पे डायरेक्टर सर के नीचे ही रहना पड़ता है। नहीं क्या दिमाग में कीड़ा काटने लगता है कि होना चाहिए, यहाँ पे लाइटिंग ऐसे हो जाती है, थोड़ा सा कलर। नहीं, हमारे डायरेक्टर सर क्या है मालूम है, ऐसे आदमी है कि अगर जरा सा गलती देख लिए, जब नहीं बोलेंगे सेट पे, बाद में बोलते, बुला के हम गए भोजपुरी करने, हिंदी में अच्छा सुनाए, सब लाइन पे काम करने लगे, फिर हम क्योंकि अगर उसमें गाली भी बक देते होंगे तो समझ में नहीं आती होगी। नहीं, मुझे तो आता है, हम लोग के लिए टफ है, मेरा रिकॉर्ड है 22 इयर्स हैदराबाद में हूँ, आज तक गाली के सिवा तेलुगु आया ही नहीं। सिर्फ तेलुगु गाली सीख पाए, बस खाली गाली सीख पाए थोड़ा बहुत, और कुछ नहीं आता है तेलुगु में। अच्छा, चलते चलते टीनो से कि ये दर्शक इस फिल्म को क्यों देखे, ऐसा क्या खास है जो इस फिल्म से लोगों के समाज, मतलब समाज में कुछ मैसेज जाए या उनके दिल को टच करे, एक सोशल मैसेज होता है फिल्म, तो ऐसा क्या है, बस दो लाइनों में इसमें देखिए, मतलब एक होता ना कि थिंकिंग जो होती है हमारी, कि हम कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, कितने बड़े छोटे जो भी है, कैसी भी हमारी फैमिली है, अमीर है, गरीब है, लेकिन मतलब पूरा फोकस ये होना चाहिए कि हमारा बच्चा कैसा है, मतलब हमारा बच्चा कैसा हो, मतलब वर्क करे, बड़ा हो के कैसा, उसका फ्यूचर ब्राइट हो, या मतलब जो भी फ्यूचर डिसाइड होता है। हाँ, तो ये है जो मतलब ऐसा कुछ है, मतलब कि बच्चों को कैसे ट्रीट करें, आगे चल के बच्चा आपका कैसा बनेगा, विलन बनेगा, हीरो बनेगा या अच्छा इंसान बनेगा, तो यही मैसेज है इसमें। बच्चों पे भी असर करेगी फिल्म? हाँ, भी बच्चों भी बच्चों पर भी, बड़ों पर भी, दोनों पर इफेक्ट करेगा। इसमें क्या है कि बड़े लोग हैं तो कम से कम उन्हें बच्चों को केयर कर सकते हैं ये फिल्म देखने के बाद में, कि हमारा बच्चा अगर अच्छे के साथ रहेगा अच्छा बनेगा, बुरे के साथ रहेगा तो बुरा बनेगा, ये हमारी सोच है।
ये फिल्म से हमारी फिल्म से मैसेज गया है। एक छोटा बच्चा था जिसकी वजह से हमने दिखाया कि किस पर पहले विलेन के साथ रहेगा तो विलेन जैसा हो जाएगा, हीरो के साथ रहेगा तो हीरो जैसा हो जाएगा। सोशल मैसेज गया हुआ है। कुछ आ रहा है आप लोगों का लास्टली कुछ इसके बाद में? ये नहीं, इसके बाद में कुछ और वर्क है कुछ ऐसा जो? हाँ अभी आगे है सर, मूवी है, अभी आगे मूवीज कर रहे हैं हम लोग, मूवीज चल रहे हैं। फिर से सेम टाइम? नहीं साथ में तो नहीं कर रहे, अलग अलग कर रहे हैं। तीनों कर रहे हैं। अभी मेरी फिल्म आ रही है, डायरेक्टर रवि सिन्हा जी हैं, तो शक्ति फिल्म का नाम है, अंजना जी हैं उसमें मेरा सेकंड लीड है, तो वो रिलीज़ होने वाली है आई थिंक, मुझे डेट तो नहीं पता, फिर भी आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। मेरा एक अजय झा सर हैं, अजय झा डायरेक्टर हैं, उनके साथ फिल्म आ रही, दो फिल्में आने बैक टू बैक आने वाली टीवी पे, वैष्णवी साक्षी शंकर दोनों में एक्ट भी किया है, और मंजुल ठाकुर सर के साथ भी मैं कंटिन्यूस काम कर रहा हूँ, उनकी फिल्में आने वाली है गोवर्धन। मेरा तो अभी नेक्स्ट मूवी सुब्बाराव सर के साथ ही है, क्योंकि मैं दूसरे डायरेक्टर का मूवी तो नहीं करता, ओनली सुब्बाराव सर का मूवी करता हूँ। डांट पड़ती है पर काम सीखने को बहुत कुछ मिलता है, इसलिए मैं तो 99% सुब्बाराव सर का ही मूवी करता हूँ और उनका ही करूँगा आगे चल के, क्योंकि इनसे बहुत सीखने को मिलता है, बहुत चीज़ समझने को मिलता है, और जो चीज़ नहीं आता है वो भी करा देते हैं। टेक्निकली मैं एज एन डायरेक्शन टीम में होने की वजह से, एसोसिएट इनका होने की वजह से मुझे बहुत कुछ इनसे सीखने को मिला, बहुत अच्छा डायरेक्शन, हर चीज सीखने को हमको मिलता है, कैसा करना है क्या करना है, प्यार से अच्छे टाइम से करते हैं पूरा, और उनके बैनर तले जो भी मूवी बनती है हम आर्टिस्ट को कोई भी तकलीफ नहीं होता। इससे पहले हम 2018 में काम किए काशी विश्वनाथ बोल के मूवी है, रितेश पांडे के साथ में भी किए, वहां भी किए, कोई भी हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं, हर चीज में अच्छा, खाने में पीने में टाइम टेबल रहने का हर चीज अच्छा मैनेजमेंट है उनका। नमस्ते, भोजपुरी बातें को धन्यवाद।